ओके आ गए सभी। एग्ज़ाम कैंसिल देख के आए हो ना? अबे सालो तुम लोग सुधर जाओ। बिफोर कमिंग टू दिस नोटिफिकेशन वॉच दिस। ये आपको जो दिख रहा है ये कोई और नहीं है, ये आप लोगों में से ही कोई निकल के गया है, ठीक है? और उसको आज मेडल मिल रहा है। इस बंदे में और तुम लोग में पता है क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? वही मैं अभी डिस्कस करूँगा। और दो मिनट जो आप अभी अगर इन्वेस्ट करोगे तो फिर जो पूरा अपकमिंग प्रोस्पेक्टिव रहेगा आपका जर्नी का, वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, हो सकता है थोड़ी कड़वी लगे। फर्स्ट थिंग कि अभी आप सभी 18 बिलो हो, तो मेच्योरिटी का जो लैक ऑफ मेच्योरिटी है वो किस तरह से आपकी साइकोलॉजी को हार्म कर रही है वो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अभी आपको रियलाइज़ नहीं होगा, जब 31 अक्टूबर को मेरिट आएगी, इवन जब 10 दिसंबर को PSL आएगी, जब उसमें नाम नहीं होगा उसके बाद आप रियलाइज़ करो, तो उससे अच्छा है कि अभी रियलाइज़ करो और सुधर जाओ तुम लोग। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको आज के बाद कोई ऐसा वीडियो नहीं देखना है कि ये नया नोटिफिकेशन आया। ये देखो अवेयर, मैं आई एम नॉट सेइंग कि अवेयर होना ज़रूरी नहीं है, अवेयर होना ज़रूरी है, लेकिन यार रिसोर्स को लिमिटेड करना सीखो। अदरवाइज़ आपको सोना बाबू और खाना पीना इन सब के बाद मैं समझता हूँ 2 घंटे टाइम मिलता होगा पढ़ने का। जो अगर ऑनेस्टली बात करूं तो 2 घंटे आपको पढ़ने का टाइम मिलता है, उसमें आप 4 वीडियोस ऐसे देख लेते हो जिनमें ये थंबनेल ऐसी लगा के आपको मजबूर कर देते हैं कि आपको क्लिक करना ही पड़ता है कि कब हो सकता है एग्ज़ाम, कब नहीं हो सकता है एग्ज़ाम। तो मेरी बात सुनो, आज के बाद ऐसा कोई वीडियो नहीं देखना है। आप सिंपली हर दूसरे तीसरे दिन एयरमैन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखते रहो कि कोई नया डेट आया है। पहली बात, अभी जुलाई के 2nd वीक तक तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसके बाद जुलाई के 2nd वीक में जाके आप देखना। तब तक परफॉर्मेंस पे ध्यान दो यार, स्ट्रेटजी बनाओ, आप इन सब चीज़ों में मत पड़ो प्लीज़। आज के बाद ऐसा कोई वीडियो नहीं, ट्रस्ट मी गाइज, इन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हो अपने सक्सेस को। तो प्लीज़ इस तरह के वीडियोज़ देखना बंद करो। आप अभी अपने आप से प्रॉमिस करो, कमिटमेंट करो कि 2nd वीक ऑफ जुलाई तक आपको कोई भी ऐसे वीडियो पे क्लिक नहीं करना है जो नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा होगा, जो एग्ज़ाम कैंसिलेशन के बारे में बता रहा होगा। केवल और केवल आपको अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करना है, केवल और केवल आप अपने आप को इम्प्रूव करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। और बाकी यार इन सब में टाइम अभी आप अगर वेस्ट करते रहोगे तो कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, फिर आप सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बस यही एक छोटा सा कमिटमेंट चाहिए था आप लोगों से कि आज के बाद ना तो कमेंट में कोई ऐसा क्वेश्चन करेगा कि एग्ज़ाम के बिहाफ पे कि सर एग्ज़ाम के बारे में कुछ बता दो, मोटिवेशन दे दो। यार कुछ मोटिवेशन नहीं होता, एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ आपका नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा। आपको ब्लू यूनिफॉर्म क्यों चाहिए यार, सोच के देखो। मुझे मम्मी की आंखों में, पापा की आंखों में वो चमक लानी है जब मैं सैल्यूट करूंगा उनको या अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे पिक्चर लगाऊंगा। तो बस दिमाग में केवल ये चीज़ें रखो, तो समवन इज सेइंग दिस, समवन इज सेइंग दैट, तो इन सब में ही आप पूरा दिन निकाल देते हो। तो आप ये बताओ पढ़ोगे कब? तो बस यही कमिटमेंट चाहिए कि जैसा मैं केवल पढ़ाने पे फोकस करता हूँ उसी तरह से केवल तुम लोग को पढ़ने से मतलब होना। अगर पढ़ने से मतलब नहीं है तो सॉरी टू से, यू कैन अनसब्सक्राइब मी राइट नाउ, ठीक है? और बाकी अगर आपको पढ़ना है तो जान लगा के मैं पढ़ाऊंगा। मैं देख रहा हूँ 1000 व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी रेवेन्यू नहीं हो रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों का इंटरेस्ट कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तुम लोग, ठीक है? तो बस यही कमिटमेंट चाहिए। और प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में कि आज के बाद जुलाई के 2nd वीक तक किसी ऐसी वीडियो पर क्लिक नहीं करेंगे। और जो लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसे वीडियोज़ बना के, ऐसे आक्रामक वीडियो बना के हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, उनके कमेंट बॉक्स में जाके सालों को उन्हें उनकी झग